सो फ्रेंड्स, तो क्विक अपडेट में बात करते हैं जेम्स बॉन्ड की फ्रेंचाइजी को लेकर, जिसके पूरे यूनिवर्स की डील अमेज़न वालों ने कर रखी है और उनकी तरफ से प्लानिंग जेम्स बॉन्ड के यूनिवर्स को एमसीयू की तरह ब्रॉड बनाने की जा रही है। यानी कि कई सारे स्पिन ऑफ सीरीज और फिल्म की, जो बेसिकली इस यूनिवर्स में प्रीक्वल का काम कर सकते हैं। और इस रिपोर्ट को डेली एक्सप्रेस ने कवर किया है, जो अगर सच निकलती है तो देखते हैं फिर जेम्स बॉन्ड के भी यूनिवर्स पर आगे क्या क्या डिटेल्स निकल कर और आती है, क्योंकि ये डिटेल फिलहाल तो अच्छी लग रही है, जिस पर हो सकता है कि ज्यादातर तो फैंस की मेजोरिटी ना में ही रहे, क्योंकि जेम्स बॉन्ड के यूनिवर्स को जिस तरीके से फिल्मों में एक्सप्लोर किया जाता है वो भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। और इन्हीं कारणों से जेम्स बॉन्ड आज भी नंबर वन है और लोग उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। बाकी इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म फिलहाल तो नो टाइम टू डाई ही है, जिसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 771.1 मिलियन के है। और हो सकता है कि इस रिकॉर्ड को जल्दी स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म भी तोड़ दे, क्योंकि कहा कुछ भी नहीं जा सकता। और बाकी इसमें बोनस न्यूज की बात करें तो जेम्स बॉन्ड के फैंस को राहत देते हुए फिल्म की ही प्रोड्यूसर बाबरा ब्रोकोरी की तरफ से यही दे दी गई है कि वो पर्सनली तो बिल्कुल भी नहीं चाहती जेम्स बॉन्ड के यूनिवर्स में किसी फीमेल को इस आइकॉनिक कैरेक्टर का रोल प्ले करते हुए देखे, और अगर उनकी तरफ से ना की जा रही है तो मेजोरिटी ना में ही रहेगी, जिससे कि अब हो सकता है कि हम आगे किसी मेल बॉन्ड को ही देखें जो इस जेम्स बॉन्ड की लेगेसी को आगे कंटिन्यू करेगा। बाकी बात रही लसियाना लेंस की, जिन्हें इस फिल्म में बस छोटे से टीज के तौर पर लिया गया था कि अगली जेम्स बॉन्ड यानी कि फीमेल जेम्स बॉन्ड वही रहेगी, तब वो चांसेस भी बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि कंफर्मेशन जब मिलती है वो भी इतने बड़े लेवल पर ऐसे यूनिवर्स की, तो उससे राहत तो मिलनी ही है फैंस को, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। बात रही प्रोड्यूसर की, तो उनके अकॉर्डिंग जेम्स बॉन्ड के कैरेक्टर का रोल सिर्फ मेल ही प्ले कर सकता है, फीमेल बिल्कुल भी नहीं, और जो लेगेसी इतने साल से ऐसी चलती हुई आ रही है उसे बिगाड़ने में उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए शायद उनकी तरफ से ये कंफर्मेशन देते हुए राहत भी दे दी गई है। बाकी जेम्स बॉन्ड के यूनिवर्स को लेकर भी प्रिपरेशन आगे चल ही रही है, जिस बारे में अब आपकी राय मुझे कमेंट में चाहिए, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूं अजीज शेख, मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।